हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक कस्टमर का कमेंट आया था। कमेंट आने के बाद मैंने उनको अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर किया और उनको उन्होंने जैसे कमेंट किया कि अर्जेंट ही सर आपसे बहुत ज़रूरी मेरा काम है और मेरा जो सिस्टम है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो उन्होंने जैसे मेरे पास कॉल किया तो मैंने उनके लिए बताया, कॉल के माध्यम से उनके लिए बताया था। तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स उनकी ये थी कि उनका जो स्टैंडर्ड जो बिल फॉर्मेट है उसके अंदर उनकी बैंक का जो डिटेल है वो चेंज करना था। उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो भी बैंक डाला था उन्होंने क्या है बीच में उस बैंक को बंद करवा दिया और उसके बाद कोई नया अकाउंट उन्होंने खुलवाया है। तो बिल पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर उनको अपना जो बैंक चेंज करना था तो उसका तरीका उनको मालूम नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट मेरे पास कॉल किया और मैंने उनको बताया इस तरीके से आपको ये काम करना है और उनका उन्होंने कॉल के माध्यम से उसका जो भी प्रॉब्लम था पार्टी का वो सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने सोचा कि ये जनरल प्रॉब्लम्स है, नए पर्संस है जिन्होंने नया सॉफ्टवेयर ख़रीदा है उन लोगों को मालूम नहीं है कि बैंक की जो डिटेल है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ डाली जाती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने इनवॉइस पे अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपके लिए बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है अपनी बैंक डिटेल चेंज करने के लिए या फिर नई बैंक डिटेल डालने के लिए आपको क्या करना है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, इसके बाद इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पे आपको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद सेल्स इनवॉइस पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे स्पेशली आपके लिए ऑप्शन दे रखा है बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो आपकी बैंक डिटेल। आपको कैसे डालनी है, जैसे आपका जो भी बैंक है SBI बैंक, ठीक है, SBI बैंक लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे अकाउंट नंबर, जैसे मेरा जो भी अकाउंट नंबर है 3491120, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या डालना है, आपका बैंक का नाम हो गया, आपका बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, आपका IFSC कोड डालना है आपको, ठीक है। IFSC कोड जो भी है, जैसे SBIN 00113778, ठीक है, यहाँ पे IFSC कोड मैंने एंटर कर दिया है। इसके बाद जैसे आपकी ब्रांच है तो ब्रांच भी आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी पर्सन बैंक अकाउंट को ऐड करेगा तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ब्रांच यही है और आपका गलत पैसा, आपका कोई दूसरा पर्सन गलत अकाउंट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो ब्रांच है GMA प्लाजा है, तो मैंने यहाँ पे GMA प्लाजा एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक डिटेल लिख दी है और जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर बैंक की जो डिटेल्स है वो कहाँ पे एंटर की जाती है, अभी मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं कोई भी इनवॉइस को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर मैं चेक करता हूँ तो मैंने जो डिटेल्स जो डाली है वो कहाँ पे प्रिंट हो रही है। यहाँ पे प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स मैंने डाली थी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो बैंक डिटेल है वो चेंज कर सकते हो और जो भी आपका फॉर्मेट बना है उसको आप स्टैंडर्ड तरीके से बनवा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी बैंक डिटेल्स को चेंज कर सकते हो या फिर नई डिटेल्स डाल सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और होने वाली आपकी समस्या शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।